जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद दोस्तों। आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि बीम किस तरह करनी है और कैसे आपको करना है। हमारे साथ हैं सर, आए हुए हैं, आपको बताएंगे कि बीम किस तरह की करनी है। ठीक है दोस्तों? यस सर। जो बंदे बीम कर लेते हैं उनके बारे में बताएंगे, जो नहीं कर लेते हैं उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि जब आप इंडियन आर्मी कितनी बीम होती है? 10 बीम होती हैं। 10 में से 40 नंबर मिलते हैं। अगर आपने एक भी बीम कम कर दी तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, फिर आपको मैरिड में दिक्कत होगी, है कि नहीं? वो सारी चीज़ें आज सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करें, कैसे करना है तो बताएंगे सर। जैन सर, जैन दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो ना? ठीक है दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के यहाँ पे बीम मारना बताएंगे, बीम कैसे मारते हैं। सबसे पहले तो जब बीम मारते समय हमको अपने हाथों की पोजीशन सही रखनी चाहिए और सही से ग्रिप बनाना चाहिए। अगर हम अपने हाथों की पोजीशन सही रखेंगे और सही ग्रिप बनाएंगे तो हमारा 10 में 10 बीम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। हम पहले दो बंदों को दिखाएंगे, डेमो दिखाएंगे और बताएंगे कि सही ग्रिप कैसे बनाते हैं। और फेस इस तरफ को आप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ओके पूरा नीचे डाउन। तो दोस्तों मैं यहीं से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, दो बंदे आए हमारे पास और बीम पे ऊपर बीम मारा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा इनकी मैं पहले कमियाँ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस बंदे को आपने देखा यहाँ पे आया और ऊपर बीम पे हैंग हुआ, ठीक है। इसके बाद इसने ग्रिप जो बनाई अपने कंधों से दूर ग्रिप बनाई, अपने कंधों के शोल्डर्स के बराबर ग्रिप नहीं बनाई, इसने अपने कंधों से चौड़ा बना दिया। इसकी वजह से इसकी बाजू से ताकत कम मिली इनको, ठीक है। सही से ग्रिप नहीं बनाया तो इस वजह से सही से बीम नहीं मार पाए, ठीक है। अरे ठीक है दोस्तों। यस सर। यहीं पे दूसरा बंदा जो था हमारा वहाँ पे उसने ग्रिप सही बनाई लेकिन वो पैरों का मूवमेंट उसका ठीक नहीं था, पैर टेढ़े मेढ़े कर रहा था, इस वजह से इसने पूरी बीम नहीं मार पाई, ठीक है। यस सर। अब यहीं से हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अच्छे से बीम कैसे मारते हैं। यहीं से दो दूसरे बंदे लेंगे, हम दिखाना चाहते हैं कि ये कैसे बीम अच्छे से करेंगे। ओके नेक्स्ट दो आप लोग बढ़िए। अब दोस्तों मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि सही ग्रिप बना के और सही बीम कैसे मारते हैं, ठीक है। ओके रेडी हो? यस। आप यहीं से दोनों बंदे पैर जोड़ेंगे और अपने हाथ को अपने शोल्डर के बराबर ऊपर ग्रिप बना के पकड़ेंगे, ठीक है। और ग्रिप ये हमारा बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, जो टाइट पकड़ में आना चाहिए। यहीं से ओके रेडी अप डाउन, 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 ओके रिलैक्स पूरा नीचे डाउन। तो दोस्तों यहीं पे आप लोगों ने देखा दोनों बच्चों की जो ग्रिप थी, ग्रिप पोजीशन थी, ग्रिप बनाने का तरीका, कैसे पकड़ा ऊपर जाके अपने शोल्डर के बराबर से अपने हाथों को फैलाया, ठीक है। और जब अपने हाथों को शोल्डर से बराबर से फैलाओगे, शोल्डर के बराबर इसको ग्रिप बनाओगे तो आपको बाजू से पूरा सपोर्ट मिलेगा और बाजू से पूरी ताकत मिलेगी। अगर आपको ग्रिप अच्छा है तो 10 में 10 बीम आप मार सकते हो। ग्राउंड आप लोगों का आर्मी ग्राउंड में वहाँ पर जाते हो तो ग्राउंड का 40 नंबर मिलता है बीम का। अगर आपकी 10 में 10 बीम पूरी लग जाएगी तो वहाँ पे आपको 40 नंबर मिलेंगे और ग्राउंड अच्छे से क्रॉस करोगे, ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। था हमारा सही बीम मारने का तरीका, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो यहीं से आप लोगों ने जैसे देखा कि दो अच्छे बच्चे थे और इन्होंने 10 में 10 बीम मारी, यहीं से मैं दो कमजोर बच्चों को बताऊंगा कैसे बीम मारनी है, ठीक है। आप लोग बैठिए और आप आइए, ठीक है। ये जैसे हमारे दो बच्चे स्टूडेंट आ गए, ठीक है। इनको बीम मारने में प्रॉब्लम होता है, कि क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि इनके बाजू में ताकत नहीं है, इनके ट्राइसेप और वाइसेप मजबूत नहीं है, इस वजह से सही से नहीं मार पाते हैं, ठीक है। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप रेगुलर पुशअप करिए, पुशअप के साथ साथ शोल्डर की एक्सरसाइज करिए। जब शोल्डर और पुशअप की एक्सरसाइज करोगे मैं गारंटी लेता हूँ कि 30 में 30 दिन अगर रेगुलर आपने किया, ठीक है,
इसके बाद जब प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, 30 में 30 दिन रेगुलर सुबह शाम पुशअप करते रहिए, तो आपके बाजू और शोल्डर में ताकत आ जाएगी। इसके बाद जब आप बीम मारोगे तो फिर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और 10 में 10 बीम पूरा मार सकते हो यहाँ पे, ठीक है? ओके सर, पता चल गया ना? यस सर। तो यहीं पे मैं दिखाना चाहता हूँ पुशअप की पोजीशन क्या होगी। नीचे बैंड, यहीं से अपने पुशअप पोजीशन जो होगी, यहाँ से अपने शोल्डर से पास में ऐसे पुशअप को मारना है, ठीक है? हाथ को चपका के मारना है तो हमारे बाजू में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत आएगी। ओके, नीचे डाउन, गुड। यहीं से ये पोजीशन जो हमारी होती है ना, ये तो हम अपने बाजू को ऐसे चपका के रखेंगे यहाँ पे, तो हमारे शोल्डर में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत आएगी, ठीक है? तो जब ये वाले पुशअप हम रेगुलर करेंगे 10 से 15 दिन, और एक बार में 15 पुशअप 20 पुशअप मारेंगे तो हमारे बाजू में ताकत आएगी और हम बीम 10 में 10 मार सकते हैं। ओके, पता चल गया ना? आपने देखा कि सर ने आपको किस तरह बीम के बारे में बताया, ठीक है दोस्तों? रेगुलर आपको करना है, एक महीने तक करना है, गारंटी है कि आप 10 के 10 बीम मारोगे और 40 के 40 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया सर के जरिए कि कैसे आपको बीम करना है, किस तरह आपको अपनी बीम बढ़ानी है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।